राजस्थान में आज लोकतंत्र का महापर्व है, जहां 1862 उम्मीदवारों की तकदीर तय होगी। इसी लोकतंत्र के महापर्व में राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हिस्सा लेने जोधपुर के सरदारपुरा के मतदान केंद्र पहुंचे। जब वो मीडिया से बात करने के लिए मुड़कर आ रहे थे, तभी उनके पास एक बुजुर्ग महिला आई और उनके चेहरे पर हाथ फेरकर उनको आशीर्वाद दिया और मतदान देने के लिए इशारा किया। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री मुस्कुराए और बुजुर्ग महिला का धन्यवाद किया। उन्होंने इस पर कहा कि इन महिला ने मुझे आशीर्वाद दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार राज्य में रिपीट हो रही है और ये चुनाव मोदी जी का नहीं बल्कि विधानसभा का चुनाव है। आपके सामने ही हो रहा है प्यार दुलार, ये मेरा मौला है। मेरे मौले के अंदर बुजुर्ग महिला है, इनको मेरा बचपन याद आता होगा, मेरा बचपन याद आता है, इसलिए आशीर्वाद दे रही है मुझे। ठीक है ना सर? सर चौथी बार आपको लग रहा है आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं और आपकी सरकार जो है वो रिपीट हो रही है क्या? आपको रिपीट हो रही सरकार, रिपीट हो रही है। गारंटी आपने दी है, आपको लगता है गारंटी होगी? क्रेडिबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई क्रेडिबिलिटी गारंटी होगी है सरकार, उन्हें रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग, हम लोग यहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले, 5 साल बाद आएंगे सब लोग। वहीं अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने भी मतदान किया। उन्होंने मतदान करने के बाद कहा कि हमें राजस्थान से शानदार फीडबैक मिल रहा है और हमारी सरकार फिर से आ रही है। मैंने तो पहले भी कहा कि सातों जो गारंटी आए मास्टर स्ट्रोक साबित होगी कांग्रेस का, और पूरे राजस्थान से हमको जो फीडबैक मिल रहा है शानदार फीडबैक है, कांग्रेस पार्टी के प्रति शानदार रुझान है। भैया ये भी बात है जी के राजस्थान में रिवाज है, इस बार राज बदल रहा है, रिवाज बदल रहा है, क्योंकि सबका सवाल यही है इस बार राज बदल रहा है, रिवाज बदल रहा है, इस बार रिवाज बदल रहा है, रिपीट हो रही है कांग्रेस। और जो भविष्यवाणी प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं कि चेंज होगा इस बार, आपको लगता है? जी सॉरी, प्राइम मिनिस्टर ने भविष्यवाणी करी थी, करे मेरी भविष्यवाणी है कि सारी भविष्यवाणी सारे बीजेपी नेताओं की फेल होगी, आप देखिएगा। चुनाव आयोग के अनुसार 199 सीटों पर कुल 1862 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में महामुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस रिवाज बदलने की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी नेता राज बदलने का दावा कर रहे हैं। राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज, आज राजस्थान की जनता अपने वोट से इसका फैसला करेगी।